हे दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के बारे में। और जैसा कि आप सबको पता है कि इसके एग्जामिनेशन के बारे में लोग जानना चाहते हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसी सब बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कर लें। वहाँ पर भी मैं एक एजुकेटर हूँ और आपको रीजनिंग मैथ जीके जैसे आज के कंटेंट जो है वहाँ प्रोवाइड करवाता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे आज के इस वीडियो की। तो यहाँ पर बेसिकली मैं पहले बताना चाहता हूँ कि आरपीएफ में दो तरह की पोस्टें आई हुई थी, जैसा कि आप सबने फॉर्म भरा था, सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल का। और दोनों का जो सिलेबस है वो सिलेबस तो सेम है, बस लेवल का यहाँ पर अंतर होगा। सिलेबस आप सबको होता है कि 90 मिनट के दो पेपर होने हैं और क्वेश्चन होंगे जो आपके 120 क्वेश्चन होंगे दोनों में। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन में से आपका जो 70 नंबर आने वाला है वो मैथ और रीजनिंग मिला के आने वाला है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप सब समझ सकते हो कि मैथ और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं होता है, बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट यहाँ पर जो भी कंपटीशन होगा बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी करना तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से मैं इस समय UPSC वीडियो की तैयारी करवा रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग का मैं पूरा सेशन लेकर आ रहा हूँ RPF के लिए और लेखपाल के लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ RPF कांस्टेबल जो है उसका एग्जामिनेशन डेट क्या हो सकता है, जी हाँ उसके बारे में बात करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो RPF है SI है उसका जो कांस्टेबल है, आप सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन है वो आपका मिड दिसंबर तक चलेगा। और इसके पहले लोको पायलट का एग्जामिनेशन हुआ था और लोको पायलट का एग्जामिनेशन जैसे ही ख़त्म हुआ था उसके दो हफ्ते बाद से आपका जो रेलवे का ग्रुप डी का एग्जामिनेशन था वो स्टार्ट हो गया था। और बिल्कुल आप ये समझ के चलो कि जो आपका RPF और SI का एग्जामिनेशन है वो इस एग्जामिनेशन यानी कि ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के ख़त्म होने के जस्ट एक हफ्ते दो हफ्ते बाद से स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल तैयारी में जुट जाओ, 15 दिसंबर तक आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होना है उसके यानी कि जनवरी मिड तक यानी कि 15 जनवरी तक इसका जो है एग्जामिनेशन डेट हो सकता है। तो जनवरी से फरवरी के बीच में एग्जामिनेशन इसका होने बिल्कुल तय है, तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाओ। अभी आपके पास समय है, 2 से 3 महीने का समय है, तो बिल्कुल लग जाओ। और यहाँ पर ज़्यादा सिलेबस भी कुछ खास नहीं है, 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस और साइंस से आने हैं, जहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, 70 नंबर के। और अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस और साइंस के बारे में तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और जो साइंस है वो आपका रहने वाला है कितने यहाँ पर जो बेसिकली रहेगा साइंस के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। और यहाँ पर 25 क्वेश्चन के बाद आपका जो बचता है 25 क्वेश्चन उसमें आपका हिस्ट्री GK GS और 10 क्वेश्चन कम से कम आपका रहेगा करंट अफेयर का, यानी कि 15 क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री GK GS ज्योग्राफी से आएगा, 25 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से आएगा, उसके अलावा जो आपके 70 क्वेश्चन आने हैं वो आपके अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस आने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाओ। तो बस यार आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, यहाँ पर आपको सारे तरह के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे अलग अलग टीचर्स हैं सबके लिए, तो आपको सारे टीचर्स यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यार अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए सबको थैंक यू। और अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।